पिछले एपिसोड में आपने देखा कि राधा हनुमंत को बताती है कि सिद्धांशु का दोस्त नवीन रानी के बिल्डिंग में रहता है। नवीन राधा से कहता है कि रानी के बारे में वो खबर दे सकता है। इधर राधा निश्चय कर लेती है कि वो मंदिरा को यह नहीं बताएगी कि उसने निर्मल को रानी की बिल्डिंग के बाहर आते देखा। उधर निर्मल रफी से जानना चाहता है कि राधा रानी की बिल्डिंग में क्या कर रही थी। रिसेस रूम में राहुल आकर मंदिरा से कहता है कि वह मंदिरा को कोर्ट में केस लड़ते हुए देखकर बहुत प्रभावित हुआ है। मंदिरा के पूछने पर राधा उसे बताती है कि केस के बारे में बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। यहाँ राहुल विजय सिन्हा को बता देता है कि वह मंदिरा को चाहता है। राहुल को खुश करने के लिए विजय मंदिरा, निर्मल और शमा को अपने घर खाने पे बुलाता है। मंदिरा जाने से इनकार करती है। रफी को नवीन के बारे में पता चलता है और वो निर्मल से कहता है कि नवीन को रास्ते से हटाया जा सकता है। You know, राधा, विक्रम is in love with someone. Really? That's very nice. कौन है? पता नहीं है कोई। तुम्हें कैसे पता? उसी ने बताया, लेकिन उस लड़की का नाम नहीं बताया। कहता है कि उस लड़की को उसकी फीलिंग्स का अंदाजा नहीं है। चलो अच्छा है अगर उसे कोई पसंद आ गई। वैसे भी उसे किसी की जरूरत थी। लेकिन मुझे उस लड़की का नाम पता करना है। तुम करोगी ये काम? वो तुम्हारे घर रहता है, उसे उसे थोड़ा और छेड़ोगी तो बता देगा। मैं जानती हूँ अगर मैं उसे और छेड़ूंगी तो वो बता देगा, लेकिन क्या जरूरत है? दोस्त है अपना, बता देगा। और अगर अभी तक नहीं बताया तो शायद बताना भी ना चाहता। Why push him? राधा, लेकिन दोस्ती में ये सब चलता है। कल उसने मुझे कितना छेड़ा पता है तुम्हें? मैं भी उसे नहीं छोड़ूंगी। I don't think this is a very good idea. इतनी सी मदद मांगी और तुमने मना कर दी। You're such a spoiled sport. Sometimes I just don't like you. What's the matter? Why are you so inquisitive? तुम्हें क्यों जानना है? You are in love with him? Of course not. Of course not. फिर इतना नाराज क्यों हो रही है? Are you hiding something from me? बिल्कुल नहीं। विक्रम मेरा अच्छा दोस्त है, सिर्फ अच्छा दोस्त। और क्या तुम कभी क्यूरियस नहीं होती, कभी इंक्विजिटिव नहीं होती? You don't want to know what's happening? ना। क्यों? क्योंकि शायद मैं जानती हूँ वो लड़की कौन है। कौन है? Why are you talking about this? अरे ये अजीब तरीका है, बात आधी करके छोड़ देना। This is not fair, राधा। कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? मंदिरा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ बात को लेकर तुम अपसेट हो क्या? नहीं। तो फिर इतना चिढ़ क्यों रही हो? हर छोटी बात में इतना एक्साइट क्यों हो रही हो? Is there a problem? कुछ नहीं है। मुझे नहीं बताओगी? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम बताती हो मुझे कुछ? कभी कभी तो मुझे लगता है कि विक्रम को जिस लड़की से प्यार है वो और कोई नहीं, तुम हो। कहीं जा रही हो? जी सर, कोर्ट जा रही थी, सोचा कुछ प्रोसीडिंग्स फॉलो कर लूं। गुड, वेरी गुड। सर, कल मैं पापा की दोस्त के घर गई थी तो मुझे रानी धवन के घर के बाहर निर्मल जोशी दिखाई दिए थे। तो आई वाज वंडरिंग वो वहां क्या कर रहे थे। भाई वो उनकी क्लाइंट हैं। आई नो सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रानी धवन उनकी सिर्फ क्लाइंट है, मुझे तो लगता है उसे कुछ ज्यादा है। क्यों? निर्मल जोशी मुझे देखकर बहुत डर गए। आई नो हिम पर्सनली बिकॉज वो मेरी सबसे प्यारी सहेली मंदिरा के पिताजी हैं। इस तरह सहम गए मानो मैं जाकर सब कुछ मंदिरा को बताने वाली हूँ। और अगर वो वहाँ रानी को सिर्फ क्लाइंट की हैसियत से मिलने आए होते तो मुझे देखकर इतने अपसेट नहीं होते। हो सकता है। तुम्हारे पिताजी के दोस्त ने तुम्हें रानी के बारे में और क्या बताया? काफ़ी कुछ सर, सारी नोट्स इस फाइल में है। ग्रेट, थैंक्स। मैं निकलूँ सर? हाँ, थैंक यू सर। पंद्रह साल पहले जैसा मैं था ठीक वैसी है ये। अपना मुकाम बनाना चाहती है, जोश है, फुर्ती है। क्या सोच रहे हो?
मुझे लग रहा है लक्ष्मी जैसे कि इस चेहरे के साथ मेरा कोई पिछले जन्म का नाता है। ये चेहरा अक्सर मेरे जहन में आता रहता है। ये चेहरा वो चेहरा है जो हमारे प्यार ने दिया है। इस वक्त आता कहाँ होगी? वो कोर्ट में होगी, नहीं तो हनुमान जी के ऑफिस में। सोच रहा हूँ कि हनुमान से कहूँ कि वो अपनी असिस्टेंट राधा को मेरे और सिर्फ मेरे केस में लगा दे। कम से कम इससे इतना तो होगा कि राधा मेरे पास आती रहेगी। धीरज रखो पीयूष, राधा उसी राह पर है जो तुम तक आती है। नवीन अंकल। अरे राधा बेटा आओ आओ। ये आप पैकिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे नोटिस मिली है 24 घंटे के अंदर घर खाली करने की। क्यों? कारण कोई नहीं बताया, बस कहा घर खाली कर दो। लेकिन लीगली एजेंट ऐसा नहीं कर सकता, कम से कम एक महीने का नोटिस देना चाहिए उसने। आप बेटा इस शहर में सर उठाकर किसी को सवाल नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बिल्डर कुछ किराए के टट्टों के जोर पर मकान मालिक को अपने ही घर से निकाल सकता है, तो मेरे जैसे किराएदार की क्या हैसियत है बेटा? I'm so sorry अंकल, ये सब मेरी वजह से हुआ है। No, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ। लगता है वो वक्त आ गया है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अंकल। लेकिन आप नहीं, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन। मैं कुछ मदद करूँ? पैकिंग तो हो चुका है, अभी ट्रक आता ही होगा। तो मेरे पैकिंग में होता ही क्या है, एक कपड़े का बैग है और ये कुछ बुक्स है। यू नो समथिंग, शिफ्टिंग इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। अंकल निर्मल जोशी और रानी धवन ने जो आपके साथ हरकत की है उसकी कीमत उन्हें जरूर चुकानी पड़ेगी, आई प्रॉमिस। बेटा मेरे साथ किए गए जुल्म की कीमत चुकाने के लिए तो अभी बड़ी देर है। पहले उनको उन जुल्मों की कीमत चुकानी है जो उन्होंने पहले किए हैं। वन बाय वन ईच ऑफ देयर क्राइम्स। माय गॉड द बुक, फिर गलत फाइल भेज दी। डब्बू तुमने फिर गलत फाइल भेज। हाँ देखो, नहीं मैं ढूंढ लूंगा अपने आप, प्लीज। और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना तुम। स्टूपिड, मैंने कहा ना आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। हनुमान साहब, अगर हिम्मत ना होती तो मैं यहां नहीं होता, और हिम्मत का होना भी एक खासियत तो है ही। अगर ये खासियत आपको कामयाबी की सीढ़ी चढ़ा सकती है तो ऊंचाई से नीचे गिरा भी सकती है। इतना नीचे कि आप बेइज्जती के दलदल में गोते लगाओ। हनुमान साहब, अब आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके घर से बेइज्जत करके निकाला हुआ आदमी आपके सामने बैठा है। अब अक्सर होता ऐसा है कि ऐसा होने पे लोग उसके दरवाजे पे थूकने तक नहीं जाते। हनुमान साहब, मैं आपको सावधान करने आया था कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसमें खतरा बहुत है। इकबाल साहब, मैं आपकी इन गीदड़ भक्कियों से डरने वाला नहीं, क्योंकि जो धमकाते हैं एक्चुअली डरते वो हैं। मैं एक सलाह आपको फिर से देता हूं, अपनी भलाई चाहते हैं तो यहां से निकल जाइए। ये क्या धमकी है? नहीं, गुजारिश। हनुमान साहब, इस गुजारिश को मैं क्या समझूं? आपका डर? आप आए हैं मेरे पास जनाब, अगर मैं डरता तो मैं आपके पास आता आपको धमकाने। अब छोड़िए ये धमकी और धमकाने वाली बातों को। हनुमान साहब, ये तो चलता ही रहेगा, न कभी आप जीत पाएंगे न कभी ये नाचीज। वैसे आप चाय के लिए नहीं पूछेंगे क्या? क्यों है? आज आपका दफ्तर खाली लग रहा है, क्या बात है? क्यों, मेरे दफ्तर के हर आदमी से मिलना क्या तुम्हारे लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं। या फिर मेरे दफ्तर का खालीपन तुम्हें परेशान कर रहा है, या मेरे साथ इस कमरे में अकेले रहते हुए तुम्हें डर लग रहा है? अरे नहीं, क्या बात कर रहे। दरअसल मैं डर इस बात से रहा हूं कि अकेला पाकर मैं कहीं कुछ करना बैठूं।
क्यों? मैं अपने हाथ खून से नहीं रंगना चाहता। तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते इकबाल रफी। अगर बिगाड़ सकते होते तो यूं मुझे डराने नहीं आते। इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पे आओ और चलते बनाओ। अगर मैं आपकी जगह होता और मुझे कोई इस तरह आगाह करता तो मैं उसकी सुनता, बेशक सुनता, बेशक। लेकिन हकीकत यह है कि तुम मेरी जगह नहीं हो और मैं तुम्हारा मतलब समझता हूं, जो अच्छा नहीं है। अलविदा। Are you making life so miserable for me? तुम्हें बताने के बावजूद कि मैं यहां बार बार नहीं आ सकता हूं, जिद क्यों करती रहती हो? अरे मैं क्या कहना चाहता हूं समझने की कोशिश तो करो। हमारे संबंध को 25 साल हो गए, छोटे अरसे का नहीं हमारा ये संबंध। Why the hell are you behaving like a guilty husband, damn it? I am not behaving like a guilty husband. मुझे फिक्र है तो सिर्फ consequences की। फिक्र मत करो, मुझे नहीं लगता कि आयशा की वजह से मुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? प्रीतम दास और हनुमान सिंह अगर तुम तक ना पहुंच पाए तो वो हमारे रिश्ते को लेके बहुत बड़ा इशू खड़ा कर देंगे, जिसका सीधा असर मुझ पर, मेरे करियर पर, मेरे फ्यूचर पर और मेरी बेटी। मेरी बेटी मत कहो, हमारी बेटी। शट अप। यू शट अप निर्मल जोशी। राधा जैसी मामूली लड़की ने तुम्हें इस बिल्डिंग से निकलते हुए क्या देख लिया? तुम इस तरह बौखला रहे हो। क्या तुम इतना भी जानती हो? ये मामूली लड़की हनुमान सिंह के लिए काम करती है, मंदिरा की बेस्ट फ्रेंड है। सो व्हाट? तुम्हें अपनी रेपुटेशन की फिक्र हो या ना हो, लेकिन मुझे अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। तुम कौन सी रेपुटेशन की बात कर रहे हो? जिंदगी भर तो तुमने क्रिमिनल्स को संभाला है, उन्हें प्रोटेक्ट किया है। तुम क्या समझते हो लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं जानते? तुम्हारे मुंह पर भले ही कुछ ना कहे लेकिन तुम्हारी सच्चाई से वाकिफ है। हमारे संबंध के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। अगर दुनिया जानती है तो सिर्फ इतना ही कि एक आम क्लाइंट की तरह तुम मेरी एक क्लाइंट हो। हमारा कोई खास संबंध, कोई रिश्ता है ये कोई नहीं जानता। इसका मतलब है तुम्हें ये डर है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ। तुम एक गंदा इंसान सोचेंगे। बिल्कुल। तुम्हें भ्रष्ट, मक्कार और चालाक इंसान सोचेंगे। But obviously। तुम्हें क्यों फिक्र है निर्मल? क्या तुम ये सब हो? Obviously तुम ये सब हो, इससे तुम्हें डर है। मुझे देखो, look at me, I'm so lucky। मैं जैसी हूँ वैसे दुनिया के सामने नजर आती हूँ, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है। इंसान को अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना चाहिए, कोई नकाब नहीं ओढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा उस नकाब की वजह से डर लगा रहता है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो उसे? तुमने अपने चेहरे पर एक नकाब लगा रखा है और तुम्हें डर है अगर ये नकाब उतर गया तो तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बेटी तुम्हारी असली शक्ल देख सकेंगे। But I'm sorry to tell you, Mr. Nirmal Joshi, वो तुम्हारे असली चेहरे से वाकिफ है, सिर्फ तुम्हें कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। साफ सुथरे कपड़े पहनकर इंसान को ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि लोग ये समझे कि वो नाक रहा है। तुम ये भूल गए हो कि इस दुनिया में और लोगों के पास भी नाक है। And they can smell the stink, and you stink. हालत हो गई है आपकी, कितनी पी रखी है आपने? हाँ, आपको होश भी है कि आप यहाँ कैसे पहुंची? किसने छोड़ा आपको? Disgusting. I'm disgusting. I'm so disgusting. I'm very disgusting. इसलिए पता है मैं तुम्हें
तुम्हें अपने पांव पे खड़ा रहना देखना चाहती हूँ। क्यों कहती रहती हूँ बी अ प्रोफेशनल? मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देखना चाहती। अगर अगर आप अपनी इस हालत को इतना हेट करती है तो इसे निकलने की कोशिश क्यों नहीं करती? क्यों नहीं करती कोशिश? ये थी कोशिश। मैंने सोचा था अपना बिजनेस करूंगी, लेकिन अगर अब मैं चाहूं भी तो क्यों, किसके लिए? मेरे लिए, आपके लिए, अपने आप के लिए मामा। अच्छा, पता है आपका प्रॉब्लम क्या है? आप अपनी कद्र नहीं करती, खुद पर यकीन नहीं करती। अगर ऐसा होता तो लोग भी आपको काबिल समझते, आप पर यकीन करते। ऐसा मत कीजिए मामा, अपने आप को जलील मत कीजिए। आप मेरी माँ हो। I love you, I feel for you. You don't have to feel for me. You don't have to feel for me. Nobody has to feel for me. I'm so Mama, disgusting. I'm very disgusting. No, Mama, अपने आप को संभालिए. I'm so disgusting. No, Mama, I love you, Mama. I hate myself. I hate myself. हेलो, साहब कहाँ है? तो अभी पहुंचे क्यों नहीं? हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक गॉड आप आके, आप ही का इंतजार कर रही थी। क्या बात है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है? सर, नवीन अंकल को 24 घंटे में घर खाली करने का नोटिस मिल गया है। ओह आई सी। कल जब मैं उनके घर गई थी वो अपना सामान पैक कर रहे थे। एंड स्ट्रेंजेस्ट इज कि नवीन अंकल का लैंडलॉर्ड रानी धवन का आदमी है। आपको इसमें कोई गड़बड़ नहीं लगती? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कल तुम्हारे जाने के बाद इकबाल रफी यहां आया था। मैंने उसे भगा तो दिया, लेकिन मुझे लगा कि वो कुछ ताक झांक करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली वो लोग हमसे डर गए हैं, उन्हें लगता है कि हम कुछ जानते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है, उनको हमसे डर के रहना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि डर के मारे वो हमें काटने को दौड़े। तो आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? तुम्हारे नवीन अंकल के पास रहने के लिए कोई जगह है? हाँ हाँ, वो अभी अपने बेटे के घर रह रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने कहा हुआ है कि आप चिंता मत कीजिए। देखो राधा, तुम्हें पर्दे में रहकर काम करना है। आई मीन टू से कि हमें ऐसे बिहेव करना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट सर, में से कोई गलती तो नहीं हो गई ना? अरे नहीं, जो हुआ मैं समझता हूँ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन हमें होशियार रहना है और हमें निर्मल जोशी को अपने से ज्यादा सतर्क नहीं होने देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अलर्ट है। यस सर। और राधा, तुम निर्मल की बेटी मंदिरा से इस केस के बारे में कोई बात नहीं करोगी, क्योंकि हो सकता है मासूमियत में वो अपने पिता से कोई सवाल करे और हमारा प्लान नाकाम ना हो जाए। जी सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी उससे। वैसे भी निर्मल जोशी की जिन हरकतों पर मुझे शक है वो मैं मंदिरा को नहीं बता सकती। वो अपने पापा की तरह नहीं है, बहुत जज्बाती है, बहुत सेंटिमेंटल है, बिखर जाएगी वो।